हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार एनिमल वेट। डाइजेस्टिव सिस्टम, पशु की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो पशु की ओवरऑल हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर पशु की डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी, जो ओवरऑल उसकी हेल्थ है, जो उसका मिल्क प्रोडक्शन है, तो ये सब कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पशुपालक का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है कि अगर उसमें थोड़ा भी चेंजेस हो जाता है तो पशु का खाना पीना या तो बंद हो जाता है या तो फिर कम हो जाता है। और जैसे पशु का अगर खाना पीना कम हो जाता है तो पशु का वेट लॉस शुरू हो जाता है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो पशु में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने के जो कारण हो सकते हैं वो एक हो सकता है इन्फेक्शियस और दूसरा हो सकता है नॉन इन्फेक्शियस। तो अगर इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है तो वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजा का अगर पशु में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से पशु का खाना पीना कम हो सकता है। तो वहाँ पर पशु को टेम्परेचर भी पशु का हाई होगा। लेकिन जब वहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस कॉज होता है तो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, इसका इन्फेक्शन नहीं हुआ है फिर भी पशु का खाना पीना कम हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि पशु का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, बाकी जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन पशु का खाना पीना कम हो जाएगा या तो फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि ओवरऑल उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हम स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो रूमिनेंट्स होते हैं तो उनके अगर रूमेन का एनवायरनमेंट अगर हेल्दी रहेगा, मतलब कि अगर जो रूमेन में प्रोटोजोआ होते हैं तो रूमेन का एनवायरनमेंट अगर सही से रहेगा तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सही से काम करेंगे, वो एक्टिव रहेंगे। तो इसके लिए हमें जो रूमेन का एनवायरनमेंट होता है, रूमेन की पीएच होती है, उसको अगर हम सही रखते हैं, क्योंकि रूमेन की पीएच अगर एसिडिक हो जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर अल्कलाइन हो जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो रूमेन की जो पीएच है, जो नॉर्मल पीएच होती है, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक पशु की रूमिनेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो पशु में जब भी भूख कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जब वहाँ पर अगर इन्फेक्शियस ओरिजिन होता है, जैसे कि वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है पशु को, टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से अगर पशु में भूख कम हो गई हो तो वहाँ पर हमें उसको पशुओं को एंटीबायोटिक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर प्रोटोजोल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हमें वो स्पेसिफिक जो एंटी प्रोटोजोल होते हैं उसको लगाने की ज़रूरत होती है। और जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो जैसे कि वायरल के लिए तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल हम लगा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हमें उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए और जो डिसीज प्रोसेस है वो और कॉम्प्लिकेशन ना हो, पशु में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसीलिए वहाँ पर हमें एंटीबायोटिक लगाना होता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर तो एंटीबायोटिक की ही ज़रूरत होती है। लेकिन जब इन्फेक्शियस ओरिजिन नहीं है, मतलब कि पशु का अगर खाना पीना कम हुआ है, बंद हुआ है और पशु में टेम्परेचर नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो इन्फेक्शियस ओरिजिन नहीं है। तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पशु का जो रूमेन होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि रूमेन की जो पीएच होती है उसको हमें सही रखना होता है। जैसे कि पशु में सिंपल इंडाइजेशन है, एसिडिक इंडाइजेशन है, अल्कलाइन इंडाइजेशन है, तो एसिडिक और अल्कलाइन इंडाइजेशन में जो है वो पीएच जो है
तो बहुत ज़्यादा एसिडिक में नीचे चली जाती है, अल्कलाइन में ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर जो रूमेन के प्रोटोजोआ होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें ऐसे में पशु को क्या देना चाहिए? इसके साथ साथ और भी नॉन इन्फेक्शियस में बहुत सारे कारण से कि कई पशुओं में बार बार जो गैस बनता रहता है और फ्रोदी ब्लॉट जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर फ्रोद होने के कारण, वो फ्री गैस ना होने के कारण वो रूमेन से बाहर नहीं निकल पाता है और वो रूमेन में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लॉट बन जाता है, टिम्पनी बन जाती है। इसके साथ साथ सिंपल इंडाइजेशन का जो केस है, वहाँ पर भी पशु का खाना पीना कम हो सकता है या पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। तो जब हम पशु को कभी कभी क्या होता है कि जो चारा होता है उसमें मिट्टी के कण होते हैं या फिर कुछ रेत के कण होते हैं या कुछ और सड़ा गला चारा होता है, उस पर फंगस की ग्रोथ हो जाती है, ऐसा चारा कभी कभी पशु को खाने में जाता है, तो भी पशु का अचानक से खाना पीना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे में पशु की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो पाचन शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिजाइम नाम से जो डाइजेस्टिव एंजाइम का लिक्विड आता है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इस डिजाइम का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो ये जो डिजाइम है, ये बहुत सारी कंडीशंस में हम इसको अपने पशुओं में दे सकते हैं, जैसे कि पशु में एनोरेक्सिया, यानी कि पशु ने जो है खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो भी आप इस डिजाइम लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर रूमेन की अटोनी है, यानी कि जो रूमेन की टोन है, रूमेन की जो हलचल होती है, वो पूरी तरह से बंद हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी आप इस डिजाइम लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम रूमिनल अटोनी कहते हैं। तो रूमिनल अटोनी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जब रूमेन की पीएच बढ़ जाती है तो भी हो सकता है, रूमेन की पीएच कम होने से भी हो सकता है। तो जब भी और जिस कारण से भी रूमेन की अटोनी हो, तो उसमें भी हमें इस डिजाइम लिक्विड का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ अगर पशु में कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि पशु में गोबर करने में कठिनाई हो रही हो, और अगर पशु में हार्ड गोबर आ रहा है, तो वहाँ पर उसको उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। तो ऐसे में जब हार्ड गोबर आता है या पशु को गोबर करने में कठिनाई होती है, तो वहाँ पर भी हम इस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपने आप ही पशु का जो खाना पीना है वो कम हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर पशु में फ्लैटुलेंस है, यानी कि बार बार पशु के पेट में गैस बनते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो पशु का खाना पीना कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पशु में इंफेक्शन है, यानी कि जो भी चारा हम पशु को देते हैं वो अगर उसके रूमेन में फिट हो जाता है, तो उसको हम इंफेक्शन कहते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में पशु के रूमेन में अगर इंफेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर पशु की अपने आप भूख जो है वो कम हो जाएगी या फिर पशु खाना पीना छोड़ देगा, और इंफेक्शन की वजह से वहाँ पर कोलिक का भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि पशु के एब्डोमेन में पेन होगा, तो उसकी वजह से भी और पशु का चारा पीना, जो चारा खाना पीना होता है वो कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी हम इस डीजाइम लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। अगर पशु में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है, पशु में डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे केसेस में भी हम इस डिजाइम लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। तो डिजाइम लिक्विड जो है वो बड़े पशुओं में हमें 100 ml देना है, लेकिन उसको हमें दो डोज में डिवाइड करना है, यानी कि 50 ml हमें सुबह देना है और 50 ml हमें शाम को देना है, और अगर स्मॉल एनिमल है तो हमें 50 ml लेना है और उसको दो डोज में डिवाइड करना है, यानी कि 25-25 ml हमें सुबह और शाम देना है। इसके साथ साथ हम इसका पोल्ट्री में भी उपयोग कर सकते हैं। पोल्ट्री में हम इसको 100 बर्ड्स के लिए, यानी कि
100 बर्ड के लिए 10 से 20 ml पीने के पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पशु में डेबिलिटी है, यानी कि पशु कमज़ोर होता जा रहा है, वो बहुत दिनों से लगातार उसकी जो भूख है वो कम हो गई है और उसकी वजह से उसका वज़न घटता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम इस डिज़ाइम लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो डिज़ाइम लिक्विड है, इसके साथ साथ अगर हम, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलेक नाम से जो बोलस आती है, तो इस बोलस का हम अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और भी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो एलेक बोलस है, इसके अंदर लाइव यीस्ट होता है, प्रोबायोटिक्स है, एंजाइम है, तो ये आपके पशु के जो रूमेन की ओवरऑल हेल्थ है, जो रूमेन के माइक्रोफ्लोरा है, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो अगर आप इस दोनों दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं तो आपके जो पशु का खाने का प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना देगा, और आपके पशु का ये जो प्रॉब्लम है एनोरेक्सिया इनहेबिटेंस का, यानी कि खाना पीना कम होने का या बिल्कुल बंद होने का, तो इसमें आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये डिज़ाइम लिक्विड नहीं मिलता है तो इसकी जगह, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ज़ाइमोवेट, तो ये ज़ाइमोवेट लिक्विड का भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये गैस सफा लिक्विड जो आप देख रहे हैं, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पशुओं की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी कि पाचन शक्ति जो है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आपके पशु का ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, और आगे चलकर ऐसा प्रॉब्लम आने की भी बहुत कम चांसेस रहेगी, क्योंकि पशु की डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ये स्ट्रांग बनाता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।